चलिए आज मैं बनाने वाली हूँ अपने बंगाली ट्रेडिशनल स्टाइल में दही मछली। हम लोग इसे बंगाली में कहते हैं दोई माछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कातला माछ और इसे हम मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट रखेंगे। मैरिनेशन मछली का जो है बहुत ही सिंपल है, बस नमक, हल्दी और सरसों का तेल। बस अच्छे से इसे मैरिनेट कीजिए और फ्रीजर में रख दीजिए 10 से 15 मिनट तक। वैसे कातला माछ हमारे बंगाल के यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है और कातला माछ को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, बट आई एम श्योर कि आप मछली देख के तो समझ ही गए होंगे कि आपके भाषा में से क्या कहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एनीवे मैंने यहाँ पे काजू और पोस्तो यानी पॉपी सीड यहाँ मैंने भिगो के रख दिया है साइड में और मैंने कढ़ाई पे यहाँ पे सरसों का तेल चढ़ा दिया है। जैसे ही सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म हो जाना मैंने सारे मछली को यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। सेम कढ़ाई पे मैंने यहाँ पे खड़े गरम मसाले ले लिया है, 3 लौंग, 3 इलायची और दालचीनी डाल दिया है। थोड़ा सा 1-2 सेकेंड फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज का पेस्ट डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिया है, उसका पेस्ट बना के मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट सॉटे करने के बाद मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे सूखे मसाले। मैंने यहाँ पे डाल दिया है हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और बहुत अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। कढ़ाई के साइड से जब यहाँ पे तेल निकलना चालू हो जाएगा ना, इसका मतलब आपका मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। हमने जो काजू और पॉपी सीड भिगो के रखा था वो हमने पेस्ट कर लिया मिक्सर ग्राइंड में और ये पेस्ट मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगी और बहुत अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। बाय द वे गाइस, आप कौन से शहर या गांव से मेरा वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। एनीवेज तो रेसिपी में हम वापस आ जाते हैं। तो सारे मसाले जो अब तक हम डाले हैं सब जब पक जाएगा ना, कढ़ाई के साइड से ना तेल निकलना चालू हो जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि मसाले बहुत अच्छे से पक चुका है। तब मैंने यहाँ पे डाल दिया है दही। दही डालने से पहले दही को बहुत अच्छे से फेंट लीजिए और गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर आपका गैस का फ्लेम हाई रहा या फिर आपने अगर दही अच्छे से नहीं फेंटा ना तो आपका दही तरकारी में बिल्कुल फट जाएगा। सारे मसालों को बहुत अच्छे से बैलेंस करने के लिए मैंने 1 चुटकी यहाँ पे चीनी डाल दिया है। अगर आपको चीनी नहीं पसंद है प्लीज़ अवॉइड कीजिए, बट मैंने सारे मसालों को सिर्फ एक अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा चीनी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया है। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, अगर आप चावल के साथ खा रहे हो तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए। तो मैं खाने वाली हूँ चावल के साथ तो मैं थोड़ा और आधा कप पानी इसमें डाल दिया है और अच्छे को मसाले को मिक्स करके मैंने जो मछली फ्राई करके रखा था वो मछली मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और लास्ट में मैंने डाल दिया है यहाँ पे हरी मिर्च अक्खा काट के 3-4 डाल दिया है और बस यहाँ पे 6 से 7 मिनट पकाइए और आपका जो दही मछली है बिल्कुल रेडी। लास्ट में बस तड़का लगाने के लिए यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है। तो एकदम ट्रेडिशनल तरीके से दोई माछ यानी दही मछली बिल्कुल रेडी है। ये चावल के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो ट्रेडिशनल वे में दोई माछ यानी दही मछली बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी है। चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, गर्मा गर्म चावल और दोई माछ। आप किसी बंगाली को इम्प्रेस करना चाहते हो तो ये बना के लेके जाइए और उसे खिलाइए। अगर वो इम्प्रेस ना होना मैं अपना चैनल का नाम बदल लूँगी। तो रेसिपी कैसी लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।